हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव विद रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों, अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कक्षा नंबर 10। ये आपका जो पाठ है वो है सातवां पाठ, ठीक है। इसके मैंने पहले वाले वीडियो में दे दिया है त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध, यानी कि जो व्युत्क्रम संबंध है ना मैंने वो आपको दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक, इनके जो सूत्र होते हैं लाल बट्टे कक्के के द्वारा कैसे आता है वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना, और वीडियो अगर चैनल में नहीं आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अब दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात आएगा ना छह, वो बनता कैसे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री नाम से देखो, ये है आपका टी आर आई, ट्राई का मतलब क्या हो गया तीन, और जी ओ एन, गोन का मतलब क्या होता है भुजा, और मेट्री का मतलब क्या होता है मापन, यानी कि तीन भुजाओं के मापन के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब दोस्तों, तीन भुजाओं के मापन को हम क्या कहेंगे, एक समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब ये क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, इसको इसको मैंने दे दिया नाम ए, इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया सी। अब दोस्तों, ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको कहते हैं हम आधार, क्या कहते हैं आधार, और आधार को मैं इंग्लिश में कैसे लिखता हूं, ए से लिख दिया मैंने, ठीक है। ये होता है लंब, सबसे लंबा भाग, इसको मैंने लिख दिया लंब, ठीक है, और लंब को मैंने इंग्लिश में क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया, ठीक है, और शॉर्ट के लिए। अब ये जो भाग है इसको बोलते हैं कर्ण, तिरछे भाग को क्या कहेंगे कर्ण, इसको क्या कहेंगे कर्ण, कर्ण को मैंने लिख दिया के से, ठीक है। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। तो आज की वीडियो में हम छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कोसेक थीटा, और उसके बाद होता है आपका सेक थीटा। इन छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने सूत्र पढ़ रखा होगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का याद कर रखा है सबने, इस सूत्र को लाएंगे, सिंपल है। अब देखो दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसका अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में, साइन थीटा होता है दोस्तों आपका लंब बट्टे कर्ण, किसका होता है अनुपात, लंब बट्टे कर्ण का, ठीक है। अब लंब क्या है, लंब को हमने क्या लिखा एल से, और कर्ण को इंग्लिश में क्या लिखा के से, तो साइन थीटा का सूत्र बन गया ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार को किससे लिखते हैं हम ए से, तो ये रहा आपका ए, और कर्ण को कैसे लिखते हैं हम के से, तो ये रहा आपका के। अब है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा किसका संबंध होता है, किसका अनुपात होता है, एक तो आपका लंब और एक बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार का क्या होता है टेन थीटा बनता है, यानी कि लंब बट्टा आधार, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, लंब को एल से और आधार को ए से। अब है कोट, अब कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार बट्टा लंब किसका होगा कोट का होगा अनुपात, आधार बट्टे लंब। अब यहां पर देखो आधार क्या है, आधार को ए से और लंब को एल से। अब है कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, अब साइन का उल्टा होता है या इस सारणी में इस चित्र में देख लो, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होगा कर्ण बट्टा लंब, यानी कि कर्ण बट्टे लंब को हम कैसे लिख सकते हैं, किस अनुपात में लिखेंगे कोसेक थीटा के अनुपात में, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं के और लंब को एल। उसके बाद है आपका सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, कोस थीटा क्या है आपका कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है, कर्ण बट्टे आधार। तो ये जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज में एक बात देखते रहना, यदि मैं इस
ए के सापेक्ष ले रहा हूं त्रिकोणमित अनुपात को, तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, इस ए के सापेक्ष ले रहा हूं। और ये भुजा है ना निचली भुजा, ये क्या होगी, आधार होगी और कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। अगर मैं सी के सापेक्ष कोण ले रहा हूं, ठीक है, त्रिकोणमित अनुपात ले रहा हूं, तो सी के सामने वाली भुजा जिसके सापेक्ष ले रहा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अब इसके सामने ये भुजा इसके लिए लंब होगी और ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। जैसे मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है, अब मैं ले रहा हूं इस सी के सापेक्ष, ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये भुजा होगी आधार, और ये भुजा क्या रहेगी आपकी, कर्ण का कर्ण रहेगी। ये कुछ बातें हैं। और एक बात, यदि आप साइन सुकाय साइन थीटा और उसके ऊपर लगा हुआ है सुकायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन सुकायर थीटा के रूप में। यदि आपका ये लिखा हुआ है कोस थीटा, इसके ऊपर लगा हुआ है सुकायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस सुकायर थीटा। यदि ये लिखा हुआ है टेन थीटा और इसके बाहर लगा हुआ है सुकायर, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन सुकायर थीटा। और इसके जस्ट उल्टे होते हैं वो आपके, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट सुकायर थीटा। उसके बाद सेक थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक सुकायर थीटा। उसके बाद होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक सुकायर थीटा या कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक सुकायर थीटा। तो ये दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और एक वीडियो और दूंगा इसके सूत्रों का, सर्वसमिका कैसे बनाई जाती है, इसकी जो सर्वसमिका आएगी ना, इसके जो सूत्र भाई साइन सुकाय थीटा प्लस कोस सुकाय थीटा बराबर एक होता है, या साइन सुकाय थीटा बराबर में आप लगाकर एक माइनस कोस एक सुकाय थीटा कैसे आता है, तो वो सूत्र आपका मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल अनुभव द्रवि के मैथ्स को।